ये राजस्थानी चटनी अगर आपने एक बार बना के खा ली तो आप इसे बार बार बनाकर खाने वाले हैं। इसे पराठे या फिर चपाती के साथ खाया जा सकता है, साथ ही साथ इसे स्टोर भी किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लहसुन की कलियां लेंगे और इसे कूट लेंगे। यहाँ पर हम इसे बारीक कूटेंगे, तो यहाँ पर हमने इसे कूट कर तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर एक प्लेट रखी है, तो इसमें हम लहसुन की पेस्ट रखेंगे। इसके साथ ही हम धनिया जीरा का पाउडर रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ों को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करके एक अच्छा मिश्रण तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर हमारा ये मिश्रण रेडी हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें तेल ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने तेल ऐड कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पर हम बनाया हुआ मिश्रण ऐड करेंगे। हमें तेल में इस मिश्रण को भून लेना है, तो यहाँ पर सारा मिश्रण अच्छे तरीके से ऐड कर लेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते ही रहेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर लहसुन और सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है। तो लगभग 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसे भूनना है। लगभग 2 मिनट में तो ये रेडी हो ही जाएगा और साथ ही साथ इसका कलर भी चेंज होगा। तो यहाँ पर इसका कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है। थोड़ी ही देर में ये पककर तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर हम आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू का रस हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर और 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी टेस्टी और डिलीशियस लहसुन की चटनी रेडी है। आप इसे पराठे, चपाती या फिर थेपला के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये लहसुन की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।